नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईडी में। मैं आपके सबसे आप लोग के साथ आइए बता देते हैं खास खबरों को। आपको बता दें कि भीलवाड़ा में 5 साल पहले का एजेंडा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। भीलवाड़ा शहर के विकास की और पक्ष सिर्फ अपनी पार्टी का, जिसमें असहमति होने के बावजूद भी प्रस्ताव पारित किए गए। निशाना आयुक्त को बनाया गया, जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि आयुक्त और सभापति के मध्य सामंजस्य नहीं है। उपसभापति ने सवाल पर सवाल खड़े किए हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया गया। शहर के विकास के लिए हरनी महादेव का रोपवे मात्र 6.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो 2015 में ही पास हो गया था, लेकिन आज आयुक्त ने उसे 200 करोड़ का बताया। उसको बनाने के लिए किए गए सर्वे में 4 लाख का भुगतान भी किया गया, लेकिन आज तक फाइल ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। महिला स्नानागार, समुदाय भवन, काइन हाउस, सीवरेज, सब पर चर्चा हुई, लेकिन सार वही पुराना रही है। इस मीटिंग को मात्र उद्देश्यहीन कहा जा सकता है, जिसमें सिर्फ प्रतिपक्ष को दबाने के लिए हुल्लड़ कर अपने प्रस्ताव पारित कराए गए। शहर में नालों और सफाई व्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। लीज नामांतरण के नाम पर लाखों रुपए का खेल खेला जा रहा है। अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण चरम पर है, लेकिन उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई। वहीं जालौर में घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का ग्रामीणों के द्वारा उपचार किया गया। जालौर के आहोर विधानसभा क्षेत्र के भादजून निकटवर्ती ग्राम पंचायत बोरड़ा में एक मोर पानी पी रहा था कि अचानक कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे मोर घायल हो गया। ग्रामीणों ने मोर को कुत्ते के झुंड से छुड़ाकर ग्रामीणों ने घायल मोर का उपचार किया। ग्रामीणों ने बताया कि मोर के पंखों व गर्दन और पीठ पर 3 या 4 गहरे घाव बने हुए हैं, जिनकी सर्जरी की गई। इस दौरान समाज सेवी राणा राम चौधरी, इंद्र राम चौधरी, कन्हा राम चौधरी, वार्ड पंच गोबर राम चौधरी, उमाराम सुधार सहित कई अन्य ग्राम पंचायत बोरड़ा के लोगों द्वारा ग्राम पंचायत बोरड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार किया गया और उसे एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आईटी। नमस्कार।